गाइस वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। और अभी हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू पॉटरी के वर्कशॉप पे खड़े हुए हैं। तो अभी हम आ पहुंचे हैं जयपुर और जहां पर ये ब्लू पॉटरी होती है। सो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ब्लू पॉटरी एक्चुअली जयपुर का GI टैग भी है और यहां का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है और इस वजह से जयपुर को ब्लू पॉटरी के लिए जाना भी जाता है। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं शिव कृपा के ब्लू पॉटरी वर्कशॉप है और चलिए आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लू पॉटरी बनती है और जानते हैं थोड़े ब्लू पॉटरी के हिस्ट्री के बारे में। ब्लू पॉटरी दोस्तों इंडिया का वो पॉटरी आर्ट जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है ये ओरिजिनली इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ये एक टर्को पर्शियन स्टाइल का पॉटरी आर्ट है जिसमें क्ले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और उसकी जगह पे ये लोग एक मिक्सचर यूज करते हैं जिसको ये लोकल लैंग्वेज में मसाला भी कहते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके एक क्ले को फॉर्म करा जाता है। इस चीज़ में डलता है क्वार्ट्ज़स्टोन, ग्लास, मुल्तानी मिट्टी, बोराक्स, गम और वाटर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स। इस पॉटरी पे डिज़ाइन करने वाले सारे के सारे डिज़ाइन पर्शियन स्टाइल के होते हैं और ये पहले यहाँ पे टाइल्स को डिज़ाइन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ पर डाइस और पेंट से कलर नहीं करा जाता। इस पॉटरी में ब्लू कलर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ओरिजिनली कोबाल्ट ऑक्साइड से ब्लू कलर बनता है और कॉपर ऑक्साइड से ग्रीन कलर बनता है, जिसके कॉम्बिनेशन से ये पॉटरी बनकर तैयार होती है। वैसे तो दोस्तों ये पॉटरी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी, बट 1960 में इसको फिर से एक नया रूप दिया गया जो कि पेंटर कृपाल सिंह शेखावत जी ने इस पॉटरी को फिर से स्टार्ट करा, तभी उनको फादर ऑफ ब्लू पॉटरी भी कहा जाता है। मुगल के टाइम में ये ब्लू पॉटरी भी बहुत ज़्यादा चलती थी और मुगल आर्किटेक्चर में इस पॉटरी से बने टाइल्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ब्लू पॉटरी को रखना और ब्लू पॉटरी का यूज़ करना अपने में ही एक स्टाइल बन चुका है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं उसी ब्लू पॉटरी के बारे में और आपको साथ ही बताते हैं इस ब्लू पॉटरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पे अभी हमारे साथ है ये अंकल जी जो कि खुद ब्लू पॉटरी का स्क्रैच से लेके एंड प्रोडक्ट तक बनाते हैं और वो हमारे को ये सारे प्रोसेस से रूबरू करवाएंगे। तो पहले सबसे पहले अंकल जी आपका नाम क्या है और कहाँ से? लालाराम जी, यहाँ से। लालाराम, हाँ। और आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से, तो आपका गाँव कहाँ पे पड़ता है? नेवटा। नेवटा, हाँ। और आपने ये ब्लू पॉटरी बनाना कहाँ से सीखा? यहाँ से सीखा। यहीं से ही सीखा, हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले ब्लू पॉटरी में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ये है क्वार्ट्ज पत्थर, ये क्वार्ट्ज पत्थर है, इसमें वो खतीरा काल डलता है। ब्यावर से आते हैं। अच्छा ठीक है, ब्यावर से आते हैं। उसके बाद से पानी डाल दिया तो फिर हमारे पास ये वाला मसाला बन गया, हाँ। ये कुछ दोस्तों, ये कुछ ऐसा सा मसाला, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा है, ये क्ले जैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा प्रॉपर क्ले जैसा है और इसी को ही ये लोग मैश करते हैं अच्छे से। कितने टाइम तक इसको मिलाते हैं इसको? हाँ, ये वाले मसाले को, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ये वाला मसाला। ये 24 घंटा में सेट हो जाता है? ये 24, मतलब मसाले के अंदर पानी डाला फिर? हाँ, पानी डाला वो, और उसके बाद फिर 24 घंटे छोड़ दिया? हाँ। अच्छा, और उसके बाद फिर आप इसके आगे का प्रोसेस? हाँ, ये फिर ये से करके। हाँ। सो दोस्तों राजस्थान की ब्लू पॉटरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये वर्ल्ड नोन है और अब तो इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये है हमारा पहला वाला प्रोसेस के बाद जो मटेरियल बना, ये क्ले टाइप का है और अभी भी ये गीला है, जितना मेरे हाथ में मेरे को लग रहा है पूरा मॉइस्ट है। तो इसके बाद इसी गीले क्ले को या कि क्वार्ट्ज के इस मिक्सचर को डाला जाता है डाई में। तो इसके बाद अभी भैया निकाले डाई, तो डाई अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड अपॉन शेप आपको बनाना क्या है, चाहे वो प्लेट्स हो, चाहे वो आपके कप्स हो या फिर जार्स हो, एनीथिंग, वो ये हर तरीके के यहाँ पे ब्लू पॉटरी करते हैं। और तो भैया अभी इसकी डाइज निकाल रहे हैं और इस डाई में इसको सेट करा जाता है थोड़े टाइम के लिए और फिर इसको पकाते भी अंकल जी? हाँ, पकाते। हाँ जी, फिर उसको पकाया जाता है। तो इसके आगे का प्रोसेस हम आगे सुनते हैं अंकल जी से और देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। और आप ये क्या कर रहे हैं अंकल जी इसमें? इसमें पानी डाल गीली कर रहे हैं। पानी, और ये है क्या? ये राख है। ये राख है और राख में पानी डाल के आप गीला कर रहे हैं, फिर इससे क्या होगा? इससे उसमें डालेंगे डाई में। डाई में,
अच्छा तो गाइस वो जो राख जो है वो इस डाई में डाला जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर ये क्ले रखा जाएगा और फिर से इसको राख से ढक दिया जाएगा ताकि ये क्ले का जो है मोल्ड है ये आसानी से निकल जाए और ये बिल्कुल भी इस डाई के साथ चिपके नहीं। तो ये जो है ये इनकी डाइज है और ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके की डाई हैं, अलग अलग शेप की, साइज की, तो आप ये देख सकते हैं। तो गाइस इन्होंने पतला पतला इसको प्लेन कर दिया है ताकि आराम से डाई की शेप में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से भर दिया है और इसके बाद ही इसके ऊपर भरेंगे राख। और अंकल जी ये जो टेढ़ी मेढ़ी होगी ये एजेस इसका वो सब सही हो जाएगी। फिर गाइस ये देखिए ये इसमें राख को भरा जा रहा है, पूरा फिल करा जा रहा है अच्छे से और उसके बाद अब ये इसको लेके इसको प्रॉपरली पलट देंगे। तो ये हो गया एक पूरा प्रोसेस जहां पर पूरा इसने शेप ले लिए है ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, सूखने के बाद में सही करेंगे, इसके सूखने के बाद फिर रेग मार्क से इसको अच्छा इसको तो गाइस सूखने के बाद ये वाला कुछ ऐसा बन जाता है पूरा का पूरा ये यूटेंसिल जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी इसको डाई से निकाला है। और कितने देर तक सूखने दिया दो दिन तक सूखता है। दो दिन के सूखने के बाद फिर ये रेग मार्क से इसको पूरा प्लेन कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं और सारे एजेस को बिल्कुल डेफिनेशन दे रहे हैं। तब ये रेग मार्क के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और उसके बाद इसकी सरफेसिंग होती है। ये क्वार्ट्ज के पानी से ही इसको एक बार डुबो के निकाला है या क्या करें, डुबो के निकाल दिया गया है। उस प्रोसेस के बाद जब इस पर पूरा क्वार्ट्ज का पानी लग जाता है और डिज़ाइंस बन जाते हैं फिर इसकी होती है पेंटिंग जो कि अभी अंकल जी हमारे को करके दिखाएंगे। अंकल जी आपका ये जुगाड़ तो काफ़ी अच्छा है, ये पेन है और पेन के आगे ब्रश आपने लगा रखा है। देख सकते हैं गाइस कितने फटाफट इनका हाथ चल रहा है एंड ही इज़ वेरी प्रोफिशिएंट इन दिस। तो अंकल जी डिज़ाइंस किसके अकॉर्डिंगली होता है, डिजाइंस कैसा बनाते हैं? फ्री हैंड डिजाइंस है तो कोई आपको कोई स्पेसिफिकेशन देता है, कोई बताता है ऐसे डिजाइन बनाने या फिर आप मतलब मर्जी के मर्जी से डिजाइंस बनाते हैं? अच्छा तो भैया जैसे कि अभी नीचे हमने देखा कि इसमें डिजाइन करके रंग भर दिया लेकिन आपने वापस इसमें व्हाइट कलर का पूरा एक परत से चढ़ाई है, तो ये क्या है? ये ग्लेज है, ये पकाने के लिए मतलब चमक आ जाएगी पकने के बाद। अच्छा कांच और मैदा इसके अंदर, कांच और मैदा है मैदा इसके। अच्छा कांच मतलब कांच का बुरादा होगा। हाँ, और मैदा होगा, मैदा उसके अंदर गोल करने के लिए मैदा काम। अच्छा अच्छा तो अभी ये बन चुका है। हाँ, और इसके और फिर वापस अब इसके बाद क्या करेंगे, बट्टी में डालेंगे अब इसको। अच्छा दिखाइए जरा कैसे। फिर इसको डालने का क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ से कहाँ? नहीं नहीं अंदर बैठ के डालते हैं इसके अंदर, अंदर बैठ के डालते हैं। और कितना टेम्परेचर होता होगा इसके अंदर? 700-800 लिखिए, 700-800 डिग्री। बाबा रे, तो उसके निकलने के बाद फिर दिखता है प्रोडक्ट? 3 दिन बाद में निकलती है ये, 3 दिन तक निकलेगी, कल निकलेगी। मतलब कि इसको अगर आपने आज डाले तो 3 दिन के बाद निकलेगी। अच्छा अच्छा, और धीरे धीरे करके फिर वो ग्लेज सूखता है और फिर तभी चमक आती है। जब ये ग्लेज है और ये 700-800 के अंदर पकड़ गया तो कितने के बाद में ये चमक आ जाती है। अच्छा, कांच की तरह कांच बन गया, सुंदर हो गया फिर ये तो। हाँ, तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे शिव कृपा ब्लू पॉटरी के शोरूम में और यहाँ पे ट्रस्ट मी बहुत सारे डिजाइन्स हैं
और बहुत सारे इनके पास हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ से आके खरीद सकते हैं। ऑल दो हम लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और साथ ही यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा इनका नाम और साथ ही इनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं बिफोर दैट हम आगे बढ़े कि सर आपका यहाँ पे ब्लू पॉटरी आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये मेरे को करीब 22 साल हो गए जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद से ही मैंने ये काम चालू कर दिया था ब्लू पॉटरी का। हाँ जी। और पूरी तरह से शुरुआत से किया ये काम। वैसे मैं हमारे परिवार में होता था ये काम, लेकिन पापा गवर्नमेंट सर्विस थी उनकी, तो उस हिसाब से थोड़ा सुबह शाम में होता था। हाँ जी, हाँ जी। और ये काम मेरे को शुरू से ही बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसके अंदर पूरा डिवोटेड होके मैंने काम किया है। तो ये आपका फैमिली जनरेशन से चला रहा है? हाँ, फैमिली जनरेशन मान लीजिए, लेकिन बिल्कुल बीच में बंद सा हो गया था। जब से मैंने काम चालू किया है फिर मैंने इसको थोड़ा आगे काफी बढ़ाया है। हाँ, और बहुत अच्छी डिमांड है इसकी अभी, और बहुत अच्छा चल रहा है ये काम। अच्छा, और सर ब्लू पॉटरी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या होती है ब्लू पॉटरी, इसकी थोड़ी हिस्ट्री। ब्लू पॉटरी देखो क्वार्ट्ज स्टोन से बनती है, इसमें क्ले का कोई यूज नहीं होता है। इसके अंदर हम ग्लास और गम मिला के इसका एक डो बनाते हैं, फिर टोटली फ्री हैंड ये तैयार होता है। इसका कोई वो ऐसे नहीं होता, मशीन भी यूज नहीं है इसके अंदर, ये मशीन से काम होता है, पूरा हैंडमेड है ये प्रोसेस इसका। और ये शुरुआत कहाँ से हुई ब्लू पॉटरी की? शुरुआत ये महारानी गायत्री देवी के, ये एक बार लुप्त हो चुकी थी यहाँ से इंडिया के अंदर से ही, फिर महारानी गायत्री देवी ने दोबारा इसको चालू करवाया। मैं वहाँ मेरे फादर सीख के आए थे आज के कोई 60 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम से ही ये वापस से चालू हुआ, और अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है इसके जो यूनिट्स है, मुश्किल से पूरे सिर्फ ये जयपुर में ही होती है, जयपुर में भी मुश्किल से 5 या 7 यूनिट है इसके ब्लू पॉटरी की। अच्छा, तो बेसिकली ब्लू पॉटरी जयपुर से ही ओरिजिनेट हुआ है। हाँ, और इसका ब्लू पॉटरी का गवर्नमेंट ने GI भी बना रखा है कि अब ये जयपुर में ही बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्लू पॉटरी का जयपुर में ही हो रखा है। जयपुर में प्रोडक्शन होगा इसका। हाँ जी, तो आप क्या कहते हैं कि इसका डिमांड बाहर की कंट्री में ज्यादा है इंडिया की कंट्री? इंडिया में भी काफी डिमांड है इसका, और बाहर तो है ही, लेकिन इंडिया के भी आजकल साउथ में और गोवा साइड, बेंगलोर साइड, मुंबई साइड, यहाँ पे बहुत कस्टमर इसको लाइक करते हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, और ये जो ब्लू पॉटरी होती है ये काफी लोग समझते हैं कि सिरामिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करके बनाती है। नहीं नहीं नहीं, सिरामिक बिल्कुल अलग। देखिए पॉटरी करीब 5000 तरीके से पॉटरी बनती है, जिसमें से ये एक मेथड है ये ब्लू पॉटरी का। जो ब्लू पॉटरी का है वो अलग ही मेथड है इसका, पूरा हैंड प्रोसेस है इसका, और जो पहले से चलता है वही अभी इसमें होता है। इसमें अपन मशीनरी का यूज भी कर सकें तो कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका मटेरियल पूरा हैंडमेड से के हिसाब से ही बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब कि आप चाह के भी यहाँ पे कोई मशीन नहीं ला सकते? नहीं, मशीन यूज हो ही नहीं सकती इसके अंदर, ब्लू पॉटरी के अंदर। अच्छा, पूरा टोटली हैंडमेड है इसका प्रोसेस। ठीक है, और ये जो आप रॉ मटेरियल जो आप क्वार्ट्ज बोल रहे हैं ये कहाँ से आता है? ये पूरा राजस्थान में ही अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, पूरा राजस्थान में ही अवेलेबल है, जयपुर का ये जो ब्यावर साइड और यहाँ के ब्यावर केकड़ी, यहाँ से पूरा माइंस से हम ये बढ़िया क्वार्ट्ज देख के लेके आते हैं, खुद चॉइस करके लेके आते हैं। अच्छा, और जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी बने। अच्छा बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं कि आपके यहाँ पे एक से एक प्रोडक्ट है जो कि हम कभी कभार अपने डेली हार्ट वगैरह ऐसे में लगता है, जो कि हमने गाइस अभी डेली हार्ट की सीरीज भी जो हमने शूट करी थी उसमें आपने देखा होगा ब्लू पॉटरी का काम, तो वैसे ही यहाँ पर भी अभी हम देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा डिज़ाइन है, उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये आपके डिज़ाइन कहाँ कहाँ पर आप अभी करेंटली आप भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जापान जा रहा है, जो हैंडमेड प्रोसेस की तरह जा रहा है ये। अच्छा अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि ये ब्लू पॉटरी का जो काम पहले तो आपने इसे बताया जयपुर में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान के भी लोग इसको बनाते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये आई तो शुरू से स्टार्टिंग में अफगानिस्तान से ही है। अफगानिस्तान से क्या है, दो बंदे आए थे, तो उन्होंने क्या है कि राजा मानसिंह थे उस टाइम पे, उन्होंने पतंग उड़ाने का शौक था उनको, तो पतंग उड़ाई उन्होंने, तो उनके लिए किसी ने मंजे पे जो ये ब्लू पॉटरी का ग्लेज लगता है, ब्लू पॉटरी का ग्लेज, वो मंजा तैयार करके दिया उनको, तो वो पतंग काटते ही गए मानसिंह राजा। तो उन्होंने बुलाया उनको कि चलो बुलाओ उनको जो ये मंजा बनाए। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा तुम क्या काम करते हो, कि हम सब ये ब्लू पॉटरी का काम करते हैं, तो ब्लू पॉटरी कौन सी ब्लू पॉटरी, तो उनके पास दो पॉट थे उन्होंने दिखाए, तो उन्होंने दिखाया तो उनको ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी। कि तो आप हमारे भी यहाँ थोड़ा एक बना के बताओ, मैं आपको जो भी हो वो पूरा सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बख्शीश वगैरह सब कुछ दूंगा, आप ये चीज हमारे यहाँ बना के बताओ। तो उस टाइम से ये ब्लू पॉटरी चालू हो गई। तो जो राजा थे उन्होंने, राजा ने फिर
दो चार बंदों को और सिखा दिया, तो वहां से इसका स्टार्ट हुआ। फिर बीच में विलुप्त हो गई थी, तो वो एक पोर्ट ले जो ये इंग्लैंड की महारानी के लिए राजा वो लेके गए थे, पोर्ट लेके गए थे, तो वो पोर्ट वहाँ टूट गया। तो वो टूट गया, तो पोर्ट टूट गया, तो वो बोले कि हमारे को वहाँ से इंडिया से जयपुर से वापस मंगाओ वो पोर्ट। तो वापस मंगाए, तो उस टाइम पे विलुप्त हो चुकी थी, तो दोबारा फिर दोबारा से ये चालू हुई, महारानी गायत्री देवी ने चालू करवाई। अच्छा अच्छा, तो गाइस ये स्टोरी तो काफी अमेजिंग थी, मतलब इतना तो शिव कृपा जी, मुझे भी नहीं पता था ब्लू पॉटरी के बारे में। वो तो क्या है, हमारे फादर वहीं से सीख के आए, तो हमारा बहुत पुराना काम है ये। हाँ जी। हालांकि वो फिर बाद में उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो फिर ये इसकी डिमांड कम हो गई थी। हाँ जी। तो डिमांड कम इसलिए हो गई थी कि उनको थोड़ा मार्केटिंग करना ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम कम मिलने के टाइम। बिल्कुल। फिर अब इसकी मार्केटिंग हमने की और ये करवाया, तो आगे अब अच्छा चल रहा है हमारा। जी शुक्रिया। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट इवन ये सारे हैंडीक्राफ्ट, बट ऑल्सो इनके यहाँ पर पूरी सीलिंग में भी ब्लू पॉटरी लगी हुई है, और साथ ही आप ये फैंस में भी देख सकते हैं कि इन्होंने कितना सुंदर फैन को भी, सीलिंग को भी यहाँ पर ब्लू पॉटरी से सजा रखा है। एंड यू कैन सी द होल शोरूम, यहाँ पे इनके पास एक नहीं बल्कि हज़ारों डिज़ाइंस हैं जो कि एक से एक हैं। इवन गाइस यहाँ पे फ्लोर्स में भी देखेंगे, इन्होंने फ्लोर्स में भी, टाइल्स में भी ब्लू पॉटरी कर रखी है, एंड विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। सो दिस इज़ द डोर नॉब जो कि आप ले सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन इनके पास पड़े हुए हैं। सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये अभी आप देख रहे हैं इस जगह का टाइल सेक्शन, जहाँ पे आप अलग अलग स्टाइल और डिज़ाइन के टाइल्स देख रहे हैं जो कि ब्लू पॉटरी से बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। और अगर आप भी गाइस अगर जयपुर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने घर को और खूबसूरत सजाने के लिए इन टाइल्स को ज़रूर ऑर्डर करिए, ताकि यहाँ के इस लोकल आर्ट को भी और ज़्यादा प्रमोशन मिल पाए। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं इस व्लॉग के। आई होप आपको ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू हिट दी लाइक बटन एंड शेयर इट एज वेल। और हमारे इस इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर में जो ब्लू पॉटरी है इतने वास्ट लेवल पे करी जाती है, और यहाँ पे कितने ऑथेंटिकेट यहाँ पे सारे आर्टिसंस हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमारे इंडियन कल्चर को भी और ज़्यादा प्रमोशन हो पाए। सो थैंक यू सो मच शिव कृपा जी, आपने हमारे को इतना टाइम दिया और अपनी इतनी सुंदर वर्कशॉप का एक बार हमारे को एज अ टूर भी करवाया, तो काफ़ी अच्छा लगा हमारे को, एंड हम चाहते हैं कि आपका ऐसी ब्लू पॉटरी का काम आगे बढ़ता रहे। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। फाइनली इस व्लॉग को एंड करते हैं, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नए आर्टिस्ट से ज़रूर हम लोग मिलाएंगे, जो कि जयपुर के आर्ट को कहीं ना कहीं समेटे हुए हैं। तब तक आप हमारे इंस्टा और फेसबुक पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली अपडेट्स, पोस्ट एंड स्टोरीज को डालते रहते हैं। साथ ही गाइस आप अगर चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक बाय बाय एंड बी सेफ़।